जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, तो आज मयूर का बर्थडे है। तो बस ये कुछ तैयारियां की है, भजिया प्रोग्राम, ये हमारी गुजराती स्पेशल गोटा भजिया का था, और कांदा भजी, बटेटा भजी, फ्लावर, कैप्सिकम, ऐसे अलग अलग भजिया भी बनाए थे साथ में, तो इसकी तैयारियां थी। या और तेल भी अलग अलग रखे थे, क्योंकि कांदा भजिया कोई नहीं खाता है तो मिक्स नहीं करना था। और ये सारी ही भजिया की तैयारी, बेसन का आटा, और यहाँ फुल फैमिली सब बैठे थे। अभी तक मयूर नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कोई ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। तो ऑफिस से मयूर आने के बाद सबको देख के शॉक हो गए कि सब तो यहाँ पर है, और मैंने उनको बताया ही नहीं था कि घर पे ऐसा कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है। मैंने खाली इतना ही कहा था कि दोनों बहन और एक भाई, मतलब मेरे देवर, इतने ही आएंगे। तो वो सबको देख के बहुत खुश थे, सब घर पे थे, अंकल आंटी एंड ऑल। तो यहाँ पर हम दोनों ननंद भाभी किचन में थोड़ी बहुत जो तैयारियाँ थी वो कर रहे थे, और यहाँ बाप बेटी दोनों कुछ केक के ऊपर से डिस्कशन चालू था, क्योंकि जानवी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी केक कटिंग को लेकर। उनमें से तो बहुत एक्साइटमेंट थी केक कटिंग करने की। तो यहाँ पर जानवी नाइफ लेके तैयार थी, और मैं भी थोड़ा फोटो वोटो निकालना था तो हेयर स्टाइल कर रही थी थोड़ी अच्छी लगूं। और बस इसी तरह से बर्थडे और यहाँ पर केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, हमारे जो ये फैमिली है यहाँ मुंबई में, हम लोग कुछ भी छोटा बड़ा फंक्शन होता है तो हम लोग सब साथ में ही होते हैं। आपने काफ़ी व्लॉग में देखा होगा कि ये जो हमारे दो परिवार और हम लोग ऑल टाइम साथ में, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो हम लोग साथ में खाना हम लोग का होते ही रहता है। तो बस यहाँ पर मयूर का बर्थडे शुरू हो गया था, और यहाँ केक कटिंग और खिलाना, तो जानवी तो बहुत एक्साइटेड थी। वैसे भी बच्चों को चॉकलेट और केक तो बहुत पसंद होता है। तो बस इसी तरह से केक कटिंग शुरू हुआ, और एक दूसरे को केक का बाइट खिला के फिर सारी हमारी फैमिली भी, हम लोग को ऑल टाइम ऐसी आदत ही है कि हम लोग केक खिलाएंगे और फोटो निकालेंगे, तो इसे खुश होता है दिल, छोटे छोटे पल में खुशी ढूंढना, बस यही तो लाइफ है। यहाँ पर ये भी हमारे एक अंकल आंटी है, इन्हें तो आपने हमारे बर्थडे में भी देखा होगा। तो यहाँ पर अंकल आंटी है, और यहाँ पर अब आएंगे हमारे दूसरे अंकल आंटी, जिनके साथ हम शादी के बाद 2 साल तक हम साथ में थे। और ये मतलब आप समझ लीजिए ना कि अगर मम्मी पापा को हमारे देखना है तो इन दोनों को आप देख लीजिए। और ये हमारी दोनों ननंद है, इसमें जो छोटी ननंद है रेड ड्रेस में, वो सूरत है, डॉक्टर का पढ़ रही थी, तो अभी ये टाइम आई है। और है हमसे छोटे पर हाइट में हमसे काफ़ी बड़े हैं, तो ये हमारे देवर है। तो बस इसी तरह की छोटा सा, तो आप सभी के लिए